नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है फिर से बहुत सुंदर सुबह के साथ श्रीमद् भागवतम, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए बना है। श्रीमद् भागवतम है ना, निगम कल्पतरो गलितम फलम है ना, निगम कल्पतरो गलितम फलम। ऐसा फल है जो गला हुआ है, सभी सभी वेदों का गला हुआ फल है ना। सुख मुखाग्र मृतम द्रव्य संयात है ना, सुख मुखाग्र, वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो है वो निकला है, और मतलब सुखदेव गोस्वामी ने उसमें अपना मुख लगा दिया तो और भी मीठा हो गया है ना। पिबत भागवतम रसमालयम, रोज हमें जो है ना पीना चाहिए, कानों के माध्यम से रोज श्रीमद् भागवतम का रस का आस्वादन करते रहना चाहिए ना। और मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, जो है रोज रोज, मुहु मीन्स एवरीडे, रसिका जो रस को समझते हैं, इस ज्ञान को समझते हैं भगवान के, ऐसे विचारशील व्यक्ति जो है इस संसार में, भुवि मीन्स इस संसार में, इस पृथ्वी में जितने मनुष्य योनियां हैं, जो समझदार हैं, भाविका मीन्स समझदार, थॉटफुल, जो ये समझ सकते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, करना क्या है नहीं करना क्या है, जो ये जानते हैं, वो लोग रोज इसका आस्वादन करेंगे। कितना सुंदर है ना। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाग्र अमृतम द्रव संयुतम है ना, पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। बहुत सुंदर श्लोक है, तो हम रोज इसीलिए आस्वादन करते हैं श्रीमद् भागवतम का, ताकि हमारा ज्ञान भी बढ़े और हमारी भक्ति बढ़े, हमारा हृदय जो है शुद्ध हो, शुद्धिकरण हो हमारे हृदय में, ज्ञान उत्पन्न हो, हम सही मार्ग में चल सकें, हमारा तैयारी हो सके मृत्यु की, हमारी तैयारी। क्या हम तैयार हैं मृत्यु के लिए? क्या जैसे आर्मी जाता है लड़ाई करने है ना, योद्धा जाता है, सब एकदम कवच वच बांधता है, गन वन रेडी करता है, पूरी कारतूस भर देता है, गोले वोले टांग लेता है कि नहीं, सब तैयार होकर फिर जाता है युद्ध करने। क्या हम तैयार है मृत्यु के लिए? तो हमेशा एवरी टाइम भक्त रेडी रहता है मृत्यु के लिए, मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता भक्त, हमेशा भगवान का जो है ना 108 गोलियां उसके पास रहती हैं माला की, फटाफट फटाफट जैसे ही कुछ होगा धड़ 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 गोलियां चलाना चालू कर दे। ठीक है, तो हमने कल 17 और 18 श्लोक नंबर लिया, तो 17 17 और 18 का एक बार रिवीजन कर लेंगे। 17 में कहते हैं, उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं, अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। तो बहुत, ये पांचवा प्रश्न था जो शौनक आदि ऋषि जो हैं सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। इन 6 क्वेश्चनों के आधार पे ही श्रीमद् भागवतम का जो है कथा हुई है, तो अभी तो हम सिर्फ इसी में ही है कि पूछ क्या रहे हैं, उसके बाद तो श्रीमद् भागवतम चालू होगी है ना। तो सूत गोस्वामी जो है वो बैठे हुए हैं ऊपर व्यास आसन में, और नीचे सारे शौनक आदि 88,000 ऋषि जो हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। उनका एक लीडर है शौनक,
ऋषि शौनक, वो एक लीडर है और उनके साथ 88,000 अदर ऋषि भी बैठे हुए हैं। तो वो मिलके जो लीडर है उनके बिहाफ में प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये पांचवा प्रश्न था कि आप हमें जो है भगवान, क्योंकि कृष्ण जो है ना वो अत्यंत उदार है और अनुग्रह पूर्ण है, वो उदार है ना, और उनकी कथाएं कल्याण प्रद होती हैं, जितना जितना हम उनकी कथाएं सुनेंगे उतना उतना हमारा हृदय शुद्धिकरण होना चालू हो जाएगा। और बता रहे हैं कि कृपया हमके उनके अवतारों की भी लीलाएं बताएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी, उनके जो अंश के भी अंश हुए हैं उनकी भी हमको लीलाएं बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। फिर 18 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ बता रहे हैं कि उनकी जो लीलाएं हैं वो उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। हमने बताया दो शक्तियां, अंतरंगा और एक बहिरंगा। वैसे तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, तो अंतरंगा जो शक्ति होती है उसको योग माया कहते हैं, और जो बहिरंगा शक्ति कहते हैं उसको महामाया कहते हैं। तो इस भौतिक संसार में जो शक्ति काम करती भगवान की, वो बहिरंगा शक्ति काम करती महामाया, और जो आध्यात्मिक जगत में काम करती है वो होती योग माया। इस संसार में भी योग माया काम करती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए काम करती है जो भगवान की शरणागति हो जाते हैं और भगवान में अपनी चेतना को लगा देते हैं, है ना? हमने पढ़ा हुआ है भगवत गीता में, भगवान ने कहा, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रय। जो महात्मा होते हैं वो देवी प्रकृति के आश्रय में चले जाते हैं, वो महामाया के आश्रय में नहीं जाते, वो योग माया के आश्रय में चले जाते हैं, क्योंकि वो मेरे बारे में चिंतन करते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान के बारे में अपने आप को समर्पण करेंगे, हमारा जो अथॉरिटी होती है ना ऊपर का बॉस, वो चेंज हो जाएगा, महामाया से हटके हमारे ऊपर जो है योग माया आ जाएगी। और योग माया का क्या काम है? भगवान की चेतना को और बढ़ाना, हमको भगवान के पास और लेके जाना, ठीक है? तो अब हम जो है आज 19वें नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना? तो साथ में श्लोक दोहराएंगे। वयम तू न वित्रिप्याम, वयम वयम तू न वित्रिप्याम तू न उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम उत्तम श्लोक विक्रमे विक्रम यत श्रवणताम रस ज्ञानम, यत श्रवणताम श्रवणताम रस ज्ञानम नाम स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम रिपीट करेंगे। तु न वित्प्याम वयम उत्तम श्लोके विक्रमे उत्तम यत् श्लोके श्रवणताम रस ज्ञानम यत् स्वादु स्वादु पदे पदे। स्वादु स्वादु वयम स्वादु वयम तु न वृत्तप्याम वयम तु न न वित्तप्याम वित्तप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे उत्तम उत्तम श्लोके विक्रमे श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रस ज्ञानम यत्श्रवणताम स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु 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 पदे पदे पदे। पदे और कोई? वयम तु न वित्रिप्याम वयम वयम तु न वित्रिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे उत्तम श्लोक श्लोके विक्रमे विक्रमे यत् श्रृण्वताम रसज्ञानाम यत् शृण्वताम रसज्ञानम् ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे स्वादु 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 पदे पदे। पदे अनुवाद, हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यश गान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है,
उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। 19वां नंबर बहुत सुंदर श्लोक है, इसकी व्याख्या करते हैं अपन, इसमें प्रवेश करते हैं, बहुत आनंद आने वाला है। इसमें श्लोक में कहते हैं वयम तू न वितृप्याम, वयम तू न, वयम तू न मतलब हम लेकिन नहीं, है ना। वयम मतलब हम, तू मतलब लेकिन, और ना मतलब नहीं। क्या मतलब वयम तू न वितृप्याम, मतलब हो सकता है कि कोई और तृप्त हो जाए, हो सकता है, इट इज चांसेस है कि कोई और तृप्त हो जाता हो सकता है, लेकिन हम नहीं हो सकते। यहाँ बता रहे कौन, शौनक आदि ऋषि बोले वयम तू ना, वयम तू ना मतलब हम तृप्त नहीं होने वाले भगवान की यशगान की कथा सुन सुन के। कोई और तृप्त हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम नहीं होने वाले। कितना भी हमको सुना लो, हम और उसको लालसा बढ़ती चली जाएगी, है ना। आगे कहते हैं वित्तृप्याम, वित्तृप्याम मीन्स तृप्त हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब जितना सुनते हैं उतना सुनने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। किसकी, भगवान की कथाओं की, यश गान की, भगवान की लीलाएं, जो दिव्य कार्य भगवान ने इस धरातल पे रहते रहते किए हैं, उनको सुनने मात्र से हम जानते हैं हमारा उद्धार हो जाता है ना। लोक आता है नंबर में भगवत गीता में, आप सब जो है म्यूट करके रखिए, ठीक है। तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है हे अर्जुन, वो दोबारा इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता, है ना। तो भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म को, तो कैसे जानेंगे जन्म और कर्म को, क्या कोई आसान सा रास्ता है? आसान सा रास्ता यही है कि श्रीमद् भागवतम का जितना जितना श्रवण करेंगे, उतना उतना हम भगवान की दिव्य लीलाओं को समझेंगे और भगवान के जन्म और कर्म को समझेंगे। हमने अभी तो स्टार्ट किया है, लेकिन 10वें कैंटो में पूरा भगवान के जन्म का वर्णन है, किस प्रकार भगवान का यहाँ पे पहुंचते, मतलब इस धराधाम में अवतरित होते हैं, किस प्रकार उनका जन्म होता है, देवकी और वसुदेव के यहाँ पे कारागार में चतुर्भुजी रूप में भगवान आते, छोटे से शिशु चतुर्भुजी रूप में आते हैं भगवान। फिर उनकी माता देवकी उनको रिक्वेस्ट करती है, प्रभु चतुर्भुजी रूप में आप रहोगे तो पकड़ लेंगे आपको सब लोग, आप नॉर्मल शिशु बन जाओ ना। तो वो फिर नॉर्मल शिशु बन जाते हैं, कौन, कृष्ण। तो बड़े दिव्य है। उसके पहले भगवान बोलते हैं जो है योग माया को कि हे माया तुम एक काम करो, देवकी के गर्भ में जो मेरा भाई है बलराम, उसको शिफ्ट करो दो रोहिणी के गर्भ में। तो रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर देते बलराम को, स्वयं भी जो है योग माया फिर अवतरित होती है, है ना। वो भगवान के एक मिनट बाद आती है, है ना। 12 बजे भगवान आते हैं इस संसार में, और 12:01 में जो है सुभद्रा जो है उनकी बहन जो कि योग माया है,
वो उनका यहाँ पे जो है जन्म होता है। तो इस प्रकार भगवान की दिव्य लीलाएं, दिव्य जन्म है। हम सब कथा अच्छे से इन डिटेल चर्चा करेंगे, तो वो 10वें कैंटो में आएगा। लेकिन कहने का मतलब है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के दिव्य होते हैं कर्म और जन्म। ये जितना जितना हम समझेंगे उतना उतना हमारा उद्धार होता चला जाएगा, और जितना जितना सुनते हैं हम उतने उतने अतृप्त होते हैं। हमने एक बार भगवद गीता पढ़ी थी, फिर उसके बाद सेकंड टाइम एक और बार पढ़ी, तो क्या ऐसा लग रहा था पढ़ी हुई है, प्रभु जी वही वही बात बता रहे हैं, ऐसा लगा क्या? नहीं, किसी को नहीं लगा मेरे ख्याल से तो। बल्कि ऐसा लगा, अरे बाप रे, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ये तो छूट गया हमसे। मतलब कि जितना हम पढ़ते हैं हर बार एक नया अनुभव होता है भगवान की कथाओं का, लीलाओं का, हर बार नया। और कई बार ऐसा होता है, जैसे उस दिन माता जी बोल रही थी, प्रश्न कर दी माता जी, प्रश्न कर दी कि जो है हम तो सुने थे कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा ब्रह्मा और बहुत सारे ब्रह्मा आ गए थे, वो वहां पे आए थे, तो आपने जो, क्या उसके आगे की जो मैंने बातें बताई वो सुना था पहले? कितने सारे ब्रह्मा थे, वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, सिर्फ ये वाले ब्रह्मा देख पा रहे थे, और ये वाले ब्रह्मा ऐसा सोच रहे थे कि मैं तो एक सिर्फ जो है ना खरगोश के समान हूँ, इतने इतने सारे लोगों के बीच में छोटा सा फील कर रहे थे अपने आप को। ये सब नहीं सुना होगा, है ना? और जब प्रश्न पूछा भगवान ने कि कैसा चल रहा है तुम्हारे ब्रह्मांड में, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो इतने सारे ब्रह्मा के ब्रह्मांडों में एक कृष्ण हर समय हर जगह लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य हर समय कहीं न कहीं उदित हो रहा है, हर जगह पृथ्वी में हर समय, हर समय किसी भी घड़ी के 24 घंटे में, हर मिनट में निकाल के ले लो, हर कहीं एक न एक समय सूर्य उग रहा है। ऐसा है ही नहीं कि कहीं सूर्य जो है नहीं है, हम हर जगह काल रात्रि, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हर समय सूर्य उदय हो रहा है। अगर हिंदुस्तान में रात है तो अमेरिका में सुबह है। तो इसी प्रकार भगवान की लीलाएं हर ब्रह्मांड में हर समय चल रही है। कहीं आज भी माखन लीला कर रहे हैं, कहीं आज भी जो है ना अपना गोपियों के साथ जो है उनके वस्त्र हरण कर रहे हैं, कहीं कालिया के नाग के सर पे खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हर समय कुछ न कुछ लीला चल रही है भगवान की। तो वित्तृप्याम मतलब हम तृप्त नहीं होते, जितना जितना सुनते हैं और उतना उतना हमारा जो है ना मन होता है सुनने का। और क्या उत्तम श्लोके विक्रमे, उत्तम श्लोक भगवान यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने लिया है, श्री भगवान जिनका यश गान दिव्य श्लोकों से किया जाता है। उत्तम श्लोक मतलब जिनका, कृष्ण का बड़े बड़े महान ऋषि अच्छी अच्छी स्तुतियों से और जो है उनकी प्रेयर्स करते हैं, ऐसे कृष्ण की बात चल रही है ना? तो एक और इसका मतलब होता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ यश जिसका है वो है उत्तम श्लोक। जिनका यश, जिनका जिनका जो है पूरे ब्रह्मांड में जिनसे ऊपर किसी की जो है ना तारीफ नहीं की जा सकती, ऐसा मान सकते हैं, उत्तम श्लोके, है ना? सर्वश्रेष्ठ यश जिसका है और जिनका यश गान बड़े बड़े ऋषि महानु महा महा मुनि जो है वो अपनी स्तुतियों से करते हैं, ऐसे उत्तम श्लोके विक्रमे। विक्रमे मीन्स जो है साहसिक कार्य, दिव्य कार्य, है ना? लीलाएं करते हैं वध की। दिव्य कार्य कौन से हो गए? जैसे कि जो है हम जानते हैं कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा दिया, ये तो सब जानते हैं। लेकिन देखो, एक ही रात में द्वारकापुरी बना दी और अगले दिन सुबेरे सबको ट्रांसफर कर दिया नींद में, ये है कि नहीं दिव्य कार्य? क्या ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये हो गया विक्रम है, दिव्य कार्य। सुदामापुरी बना दी, एक एक दिन में सुदामापुरी बना दी। सुदामा आए, जैसे उनका तांदूल खाया, बोले अब तो मैं ऋणी हो गया, इनको फटाफट सब व्यवस्था कर डाली, एक ही दिन में सुदामा पूरी बना डाली। ये हो गया विक्रम। ऐसे ऐसे कार्य जो अद्भुत कार्य होते हैं, है ना? यत श्रवणताम रस ज्ञानम, और जिसको सुनने से, यत श्रवणताम निरंतर सुनने से रस ज्ञानम, जिनको इसका ज्ञान है। रस ज्ञानम मीन्स जिसको उस रस का ज्ञान है। जैसे मैंने पहले सुनता था, जैसे शराब की फैक्ट्री होती है ना, तो उनमें ना स्पेशलिस्ट रखे जाते थे कि जो उसको टेस्ट करें, प्रॉपर टेस्ट आया है कि नहीं आया, वही वाला टेस्ट, नहीं तो फिर उसको रिजेक्ट कर देते थे, है ना, शराब को। तो जब हम पहले पीते थे तो हमको लगता था हमारे को भी ऐसी नौकरी मिल जाए, फोकट में शराब पीते रहेंगे दिन रात, बढ़िया है।
लेकिन ना वो रस का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे नहीं होता, किसी को भी नहीं रख लेते उनको ना टेस्ट में भेद करना आता था, ये टेस्ट वो टेस्ट ये टेस्ट वो, हमको तो सब एक जैसा लगता है, पता ही नहीं पड़ता है ना। तो रस ज्ञान, हम जिसको ज्ञान हो, भेद बुद्धि हो जिसके अंदर, वह जो है भगवान के यश और लीलाओं का, जिनको आस्वादन आ गया, उसमें टेस्ट आ गया, उसका ज्ञान है, उनके बारे में बात चल रही है। रस ज्ञानम, रस ज्ञानम मीन्स जैसे पशु है ना, पशु को कोई ज्ञान नहीं होता रस का, है ना, किसी को उनको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बात चल रही है ना, आध्यात्मिक ज्ञान तो होता ही नहीं है उनको, तो भगवान की कथा में इंटरेस्ट कहाँ से आएगा है। अगर कुत्ते को बिठाएंगे, बैठ आज तेरे को मैं भगवान की गिरिराज गोवर्धन की लीला सुनाता हूँ, तो क्या सुनेगा वो, क्या बोलेगा वो, उसको ज्ञान ही नहीं है, भौ भौ करके निकल जाएगा, बोलेगा ये क्या बात हो रही। लेकिन अगर किसी को ज्ञान है तो वो अच्छे से सुनेगा, अरे भगवान की कथा है, बैठो बैठो बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन हम देखते हैं मनुष्यों में भी मनुष्य कम है, मनुष्यों में भी रहते रहते लोग पशुवत आचरण ज्यादा कर रहे हैं, है ना। व्यक्ति आदमी को ही बोला जाता है कुछ तो इंसान बनो यार, कुछ तो इंसान बनो, इंसानों जैसे कार्य करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंसान रहते हुए भी वो इंसान नहीं है। दो पद पशु, दो द्विपद पशु कहते हैं, जो जो इंसान है उसमें अगर इंसान इंसानियत नहीं है तो वो पशु है, और पशु मीन्स जिसको भेद बुद्धि नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है किसके साथ क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जिसको ये नहीं आता वो पशु है। तो ये कैसे आएगा, ये ग्रंथों से आएगा, श्रीमद् भगवद गीता सुनने से आएगा, श्रीमद् भागवतम सुनने से आएगा, कि कैसे अपना आचरण करना है कि नहीं। तो एक श्लोक आता ना 2.59 में, उसमें कहते हैं अपरस्यम, हायर टेस्ट के मिल जाने से फिर लोअर टेस्ट की आदमी कभी भी कामना नहीं करता है ना। विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो एक बार अगर हायर टेस्ट जिसको मिल जाता है तो वो लोअर टेस्ट के लिए कभी भी ललायित नहीं रहता। तो सबसे हायर टेस्ट क्या है, भगवान के कथाओं का श्रवण करना सबसे हायर टेस्ट है। तो जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनना चालू करते हैं, हमको बाकी चीजों में आस्वादन, उसमें मजा नहीं आता। अब एक बात बताइए, दुनिया की बात करने में किसी को मजा आता है क्या, चुगली चपट्टी। पहले हमारा एक दोस्त था मेरे स्कूल में, बहुत बदमाश था वो, बोलता था आओ आओ पीरियड गोल करते हैं और सब मिलके चुगली चपट्टी करते, एक दूसरे की बातें करेंगे ऐसे बोलता था मस्ती में, मतलब मजाक मजाक में बोलता था कि चलो चलो चुगलियां करेंगे, इसकी उसकी सबकी बातें फिर बताते थे, इसने ये किया उसने ये किया, पूरी दुनिया की, इसके घर में ये प्रॉब्लम उसके घर में ये प्रॉब्लम, और वो भाग गया है उसको पढ़ाई नहीं आती उसको जीरो मिल गया, यही सब बातें करते थे। तो ये दुनिया की बातें करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बेकार है। हमने पिछले श्लोक में भी सुना पढ़ा था, कानों का उपयोग और जबान का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए, ऐसी जगह उपयोग नहीं करना चाहिए जो बंधन में फंस जाए हम, ऐसी जगह उपयोग करना चाहिए जिसको सुनने से उसको बोलने से हमारा उद्धार हो, हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सके। दो ऑप्शन रहते हैं, या तो माया की सेवा करना या तो कृष्ण की सेवा करना। माया की सेवा करेंगे तो कर्म के बंधन में फंसते चले जाएंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे तो हम तीनों गुणों को पार होके निर्गुण होने की अवस्था में चले जाएंगे, कर्म के बंधन से छुटकारा पाते चले जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि एकमात्र भगवान की कथा कीर्तन एक ही चीज है जो हमें मुक्ति प्रदान कर सकती, और कोई नहीं है इस पूरे विश्व में। कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा सुनना और बोलना, यही एकमात्र रास्ता है जो व्यक्ति को, मनुष्य को मुक्ति प्रदान कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम इस बात को अपने दिमाग में नहीं बिठा लेंगे, जहन में नहीं बिठा लेंगे, तब तक हम भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, है ना। शुरू शुरू में हो सकता है रुचि ना हो, लेकिन क्योंकि मालूम है यही एक रास्ता, यही मार्ग है, और कोई जगह नहीं है निकलने की, इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार पाने का कोई और मार्ग नहीं, कोई भी रास्ता नहीं, तब हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे रुचि डेवलप होना चालू हो जाएगी। ठीक है, रस ज्ञानम मतलब
ऐसी चीज जिसका ज्ञान है, जिसको ज्ञान है वो रस का आस्वादन करने बैठता है, अपने आप को बिठाता है, अपने मन को लगाता है, जबरदस्ती लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको मालूम है भगवान की भक्ति के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और ऐसे लोगों का अपने बारे में बता रहे हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, जिनको ये समझ में आ जाता है वो हर पद पद में उनको स्वाद आने लगता है। ये ऐसा है, भक्त कहते हैं भगवान कृष्ण की कथाएं ऐसी हैं, जितना सुनोगे उतना प्रेम भगवान से बढ़ेगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा उतना और सुनने की लालसा बढ़ेगी, फिर और सुनोगे तो और प्रेम बढ़ेगा, फिर और जब प्रेम बढ़ेगा तो फिर भगवान की सुनने की लालसा बढ़ेगी, फिर जब और सुनोगे तब और प्रेम बढ़ेगा, फिर प्रेम बढ़ेगा तो और सुनोगे, फिर और सुनोगे तो प्रेम बढ़ेगा। तो ये जो है ना, ये नीचे जाने वाला है ही नहीं। तो इस प्रकार भगवान की कथाओं के बारे में जितना हम चर्चा करेंगे उतना काम है। तो भगवान के बारे में जैसे एक श्लोक ये ठीक कह रहे गौतम प्रभु, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। 10.9 जो बहुत सही श्लोक का वर्णन किया सोनिका माता जी, हेनरी से कुछ कहना चाहती माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 10.18 भी मुझे लगता है रेफरेंस में आ सकता है। अच्छा बताइए क्या है 10.18। ठीक चैट बॉक्स में डाला है मैंने। है ठीक है। तो बेसिकली मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान कहते हैं कि जिसने अपना चित्त मुझको दे दिया है, जो मत चित्ता मत गत प्राणा, मेरे को प्राणों से जो है भगवान को प्रिय, भगवान को जो अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय करता है, मानता है, वो क्या करता है? भगवान की ही बातें करता है। कथयंतश्च माम नित्यम, रोज मेरे बारे में ही बात करते हैं, सुनता भी मेरे बारे में। बोधयंतस परस्परम, आपस में चर्चा करते हैं और मेरे बारे में सुनते हैं, और इससे क्या होता है? तुष्यंति च रमंति च, वो तुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, और उसी में मजे आनंद का अनुभव करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की बात चल रही है। तो रस ज्ञानम, रस जिनको, तो हम जानते हैं कि एक जैसे चुटकुला हम बोलते हैं, पहले बोलते थे कई बार, तो एक ही चुटकुले में कितने बार हंस सकते हैं? नहीं हंस सकते, 2 बार 3 बार बस। अब बोले बस भाई सर मत खा मेरा, बार बार वही वही मत सुना, है कि नहीं? अब मैं तो पहले बोल देता बस कर भाई, सुना हुआ है, आउटडेटेड है ये चुटकुला, बार बार मत सुना, कुछ नया है तो सुना। क्योंकि एक चुटकुले में उतनी दम नहीं होता कि बार बार आपको हंसा सके, या आपको वही अनुभव जो पहली बार मिला तो वो बार बार मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण की कथाओं में ये पूर्ण रूप से है कि हर बार सुनने से और बढ़ के आनंद आता है, कुछ न कुछ एक न एक चीज ऐसा नहीं आ जाती। हर गुरु हर आचार्य जिसकी हम लेक्चर सुनेंगे ना, एक न एक नया आइटम, नया, अरे बाप रे ये तो मैं सोचा ही नहीं था, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ये कैसे हो गया, अरे ये तो गुह्य बात हो गई, ये तो रहस्य पता पड़ गया मेरे को। तो जैसे जैसे हम सेकंड टाइम भगवद गीता पढ़े, तो सही बता रहा हूँ ये मेरा अनुभव है कि मैंने रियलाइज ही नहीं किया था, वो चीज मेरे को रियलाइज हो गई, मेरे को पता ही नहीं था। हमने पढ़ ली, ऐसा लग रहा था भगवद गीता आ गई है, लेकिन जितनी बार भी पढ़ो ना, ऐसा नया कुछ न कुछ अनुभव आता ही है, नयापन आता ही है। और जैसे आता है वैसे ही लगता है, अरे बाप रे क्या बात है, भगवान की महिमा और बड़ी होते चली जाती है कि अरे बाप रे भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये बोल। सोचो पूरी भगवत गीता जब पढ़ते हैं ना, तो अनुष्टुप छंद में पढ़ते हैं हम, हर श्लोक में नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल है, इक्वल। तो बिना सोचे समझे बिना तैयारी के भगवान ने 45 मिनट में भगवत गीता बोल दी, क्या किसी के लिए संभव है ये? और हर श्लोक में सेम नंबर ऑफ वर्ड, सेम नंबर ऑफ, और प्रश्न पूछ रहे एक्सप्लेन कर रहे, प्रश्न पूछ रहे अर्जुन और एक्सप्लेन करे जा रहे करे जा रहे, अनुष्टुप छंद में ही करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। कितनी बड़ी बात है, ये आम आदमी की बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ये काम, 700 श्लोक बोलना और सेम टू सेम उसी लय में हर श्लोक में नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल हो। मैं तो सुन के आश्चर्य कर लिया, मैंने कहा अरे बाप रे कितनी बड़ी बात है, ये कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता।
ठीक है, तो रस आस्वादन करते हैं और लगे रहते हैं इसमें। तो अपन एक काम करेंगे, मैं पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ूंगा, अदरवाइज हमारा सेकंड श्लोक 20 नंबर श्लोक रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना एक्चुअल में एक अलम बुद्धि की बात चल रही थी, मैंने कल एक लेक्चर में सुना। अलम बुद्धि किसको कहते हैं, जिसमें बुद्धि बुद्धि हमारे को बताती कि अब इसमें अब तृप्त नहीं होने वाला मैं, ये इसको कहते हैं अलम बुद्धि। अलम बुद्धि जैसे हम कुछ खाना खाते हैं ना, जैसे बुद्धि बताती है अब इसमें इसमें मजा नहीं है, रस नहीं है। तो क्या तीन कारण होते हैं, जैसे जैसे सपोज हम खाना खा रहे हैं, तो एक होता है पेट जब भर जाता है तब रस आना बंद हो जाता है। अब कितना भी अच्छा रसगुल्ला क्यों ना खिलाओ, मेरा फेवरेट डिश क्यों ना खिलाओ, अब मैं नहीं खा सकता, अब मैं तृप्त हो चुका, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को नहीं चाहिए, है ना, तृप्त हो गए। अलम बुद्धि बोलते हैं इसको, है ना। तो पहला रीजन है, जैसे पेट भर जाता है तो स्वाद आना बंद हो जाता है। तो क्या भगवान की कथा सुन सुन के हमारे कान भर जाते हैं क्या? नहीं, कानों की तो कैपेसिटी है, जितना सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, कान कभी भरते नहीं है। कभी भी कोई कोई कथाएं ऐसी वस्तु नहीं है जो कान को भर देंगी। कान तो ऐसी आकाश के समान है, अनंत है, सुनते रहोगे तो भी कान कभी भरेंगे नहीं। इसलिए ये पहला पॉइंट तो क्रॉस हो गया, कभी नहीं भर सकते हमारी कथाओं से हमारे सुनने की कैपेसिटी, हम कभी भी हमारा पेट नहीं भर सकता कथा से। ठीक है, और दूसरा है, जैसे खाना खाते हैं तो जिसको रस का ज्ञान नहीं है उसको टेस्ट नहीं आता, है ना। जिसको पता नहीं है कि दवाई है ये, जैसे हम बच्चे को देखते, बच्चे लोग कुछ भी खा लेते हैं, मैगी खा लेंगे, है ना, ब्रेड खा लेंगे, तला खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, बाजार का गंदा गंदा तला जो रोडों में बिकने वाला आइटम बड़े चाव से खाते हैं, हम बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करते रहते हैं। और वही जब वीडियो आता है इसमें यूट्यूब में और रील्स आते हैं कि उसमें लोग जो है ना गंदा गंदा मिला रहे हैं, थूक रहे हैं, उसमें पेशाब कर रहे हैं, ये सब वीडियो आ जाते हैं कि बेच रहे हैं उसको, फिर है ना गंदा करके बेच रहे हैं। उसके बाद वो लोग खाओगे क्या? तो खाएगा नहीं। अब क्या हो गया, रस आना बंद हो गया उसमें से। क्यों क्यों? क्योंकि रस आना बंद हो गया, पहले रस था अब रस नहीं है, क्योंकि पता पड़ गया क्या है उसमें, सच्चाई क्या है। तो वैसे ही है, क्या भगवान के कथाओं का जैसे ज्ञान होता है ना, बल्कि रस बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, जितना जितना हम भगवान का श्रवण करते हैं उतना उतना रस बढ़ता चला जाता है। और तीसरा तीसरा जब होता है, जब जो है स्वाद ही नहीं रहे, कोई खा रहे हैं उसमें स्वाद है ही नहीं, फीका बना दिया है, मजेदार नहीं बनाया है, तो स्वाद आना बंद हो जाता है। तो अलम बुद्धि तृप्त हो जाता है, आदमी बोलता है हटा यार, रहने से कौन खाएगा ऐसा, इससे अच्छा हम कहीं और जाके खा लेंगे, ये ऐसा कौन खाता खाता। तो लेकिन भगवान के में लीलाओं में कथाओं में हर कहीं स्वाद ही स्वाद है, हर जगह नया कुछ न कुछ अद्भुत कार्य कर रहे हैं भगवान, दिव्य कार्य करते हैं जिससे इंटरेस्ट बना रहता है। तो भगवान आते इसीलिए हैं, लीलाएं इसीलिए करते हैं। छोटे से शिशु देखो, नल कुएर मणिग्रीव का उद्धार कर दिए, दो दो पेड़ गिरा दिए। अब उनके दोस्त जो दूसरे बैठे हैं लाला के दोस्त, वो बता रहे हैं कि लाला ने तोड़ा ये दोनों पेड़। तो नंद बाबा और यशोदा मैया, अरे बोले तुमको पागल, चुप रहो, इतना छोटा सा बच्चा कोई दो दो पेड़ तोड़ सकता है कि बड़े वाले? नहीं, तुमको मालूम नहीं, बोले हमारा बस लाला बच गया। बोले शिव जी आए होंगे, ब्रह्मा जी आए होंगे, उन्होंने बचा लिया हमारे लाला को। तो ऐसा होता है, तो भगवान की कथाएं जो होती है ना अद्भुत होती है, उतना रस बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है। तो इसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो वो मैं बता रहा हूँ। लिखा है, रामायण महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं का अभिलेख है, अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। रामायण महाभारत जब जब पढ़ेंगे कुछ न कुछ नया लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की लीलाएं हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। ये तो फैक्ट है, जितना आप भगवत गीता पढ़ोगे हर बार कुछ न कुछ नया रियलाइजेशन होता ही है, निश्चित तौर से होता ही है। भागवतम पढ़ने से भी हर बार नया रियलाइजेशन होगा ही होगा। जैसे पिछली बार मैंने पढ़ा था, तो जो 18.14 श्लोक है, अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधा विदिदास च पृथक चेष्टा
देवम चैवत्र पंचमम, पांच कारण बताए गए कर्म करने के। उन पांच कारणों में जो चेष्टा बताई गई है ना, वो तो पिछली बार मैंने गलत ही समझा दिया था। एफर्ट्स बताए थे हमने, एफर्ट्स, लेकिन जब इस बार पढ़ा रहा तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, एफर्ट्स नहीं है वो। देखो एक्चुअल में हमने चर्चा अच्छी करी थी, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो डिजायर है, डिजायर इच्छा है, इच्छा शक्ति के बारे में बात चल रही, तो वो नई रियलाइजेशन था बेसिकली। तो हर बार कुछ ना कुछ नया रियलाइजेशन होगा ही होगा। आगे कहते हैं, लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है। लौकिक समाचार, न्यूज़पेपर की बात चल रही है। न्यूज़पेपर जो होते हैं, जो न्यूज़ होते हैं, जैसे लौकिक जो भी हम सुनते हैं इस संसार के, वो बासी होते हैं, है ना। एक तो हमारे प्रभु कहते हैं कि समाचार जो होता है, न्यूज़पेपर जो होता है ना, वो पूरे संसार का इकट्ठा किया हुआ मल जो होता है, वो छांट के आपके पास आपको भेजा जाता है न्यूज़पेपर। सुबह सुबह पढ़ते हैं लोग न्यूज़पेपर, और क्या पढ़ते हैं उसमें, पूरे संसार में क्या गंदा गंदा हुआ, किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, ये ऐसा वो ऐसा। जितना जो सुनेंगे हमारी चेतना भी वैसी होती चली जाती है। इसलिए हमारे इस्कॉन में बोलते हैं सुबह सुबह ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, समाचार इन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन रहती है, और जितना नेगेटिव सुनेंगे उतना नेगेटिव होते चले जाएंगे। इसलिए लौकिक समाचार के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, दिव्य समाचार भगवान के बारे में सुनना चाहिए, ताकि हमारी चेतना जो है ना वो भी दिव्य बन जाए। ठीक है, तो एक नीचे, एक कुछ लाइन के नीचे ना, एक मैं लाइन पढ़ रहा हूँ। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है, और इसे ज्यों ज्यों और पढ़ा जाता है, त्यों त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है, तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है। तमोगुण क्या होता है? तमोगुण मतलब पदार्थ का, पदार्थ के प्रति इंपॉर्टेंस। मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं, मेरे को इस चीज से आनंद मिलेगा, मेरे को ये चीज सुख दे देगी, मैं शायद बाहर घूमने चले जाऊंगा तो मेरे को सुखी हो जाऊंगा, मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, और कोई नहीं कंट्रोल कर रहा, मैं बस अपने आप को, अपने शरीर को, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो प्रभु, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे साथ जो घटन होगा, जो मेरे साथ जो होने वाला है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये सारा है तमोगुण, तमोगुण ज्ञान। तो जितना जितना हम संसारिक चीजों में रहेंगे उतना उतना तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जितना जितना हम आध्यात्म में रहेंगे, भगवान कृष्ण के वाणी और उनके ये सब दिव्य साहित्य को पढ़न करेंगे, उतना उतना हम तमोगुण से परे हो जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि छोटे छोटे चीजों में एंजाइटी नहीं लेनी है, छोटी छोटी चीजों में परेशानी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा ना। कहते हैं तुलसीदास, तुलसी निर्भय होके सोए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं और जो होनी है सो होए। अनहोनी होगी नहीं और जो होनी है वो होके रहेगी, तो हम किस बात का टेंशन ले रहे हैं? चुपचाप आराम से मस्ती में सो, जो होना है वो प्रभु करेंगे, हम कौन होते हैं। तो ये सत्वगुण के लेवल पे धीरे धीरे व्यक्ति आता है, जैसे जैसे अपने शास्त्रों को पढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम फटाफट 20वें नंबर श्लोक को ले लेते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं हो पाएगा हमारा। साथ में दोहराएंगे, कृतवान किल कर्माणि, कृतवान कृतवान किल किल कर्माणि कर्माणि, सह रामेण केशव, सह सह रामेण रामेण केशव, केशव अति मर्त्यानि भगवान, अति अति मर्त्यानि मर्त्यानि भगवान, कड़ह कपट मानुष, बूढ़ा मन, कड़ह कपट मानुष, भगवान। बूढ़ा मन पढ़ना है उसको, गड़ा नहीं, बूढ़ा। ठीक है, रिपीट रिपीट करेंगे। कृतवान किल कर्माणि, कृतवान किल कर्माणि, कर्माणि सह रमेण केशव, सह सह रामेण रमेण केशव, केशव, अति मर्त्यानि भगवान, अति अति मत्यानि मर्त्यानि भगवान, भगवान, गुणा कपट मनुष,
कपटमानुषा कृतवान कृतवान कील कर्माणि कर्माणि सहरामेण केशवः सहरामेण केशवः केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् अतिमर्त्यानि भगवान् भगवान् गूढः कपटमानुषः गुणा कपटमानुषा कृत्वान किला कर्माणि सहरमेण कृत्वान कील केशव कर्माणि केशव सहरामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् अतिमर्त्यानि अतिमर्त्यानि भगवान् भगवान् गुणः कपटमानुषः गुणः गुणः कपटमानुषः कपटमानुषः। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए, है ना। तो कृतवान किल कर्माणि, कृतवान मीन्स किए गए, जो हम जो भी कोई करता है उसको कृतवान किल कर्माणि, किल मीन्स कौन कौन से, कर्माणि मीन्स बहुत सारे कार्य, है ना। कृतवान कृष्ण ने ऐसे अनेक अनेक कार्य किए जो कर्माणि, ऐसे कार्य थे जो अद्भुत कार्य थे। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा अद्भुत कार्य, ऐसे कार्य उन्होंने बहुत सारे किए। किस क्या किया साथ में, सह रामेण केशव, सह मीन्स कि साथ में, रामेण मीन्स राम के साथ में, मतलब बलराम के साथ में, केशव केशव मीन्स कृष्ण ने किए, कृष्ण ने बहुत सारे अनेक अनेक कार्य किए बलराम के साथ में। अति मर्त्यानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, अति मर्त्यानी। अति मर्त्यानी मीन्स अति मानवीय कार्य, अद्भुत अद्भुत कार्य, अलौकिक कार्य, जो एक मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसे कार्य अति मर्त्यानी। भगवान, भगवान तो श्री भगवान हो गए, गूढ़ कपट मानुषः, गूढ़ मीन्स सस्पेंस है, थ्रिल है, छुपा हुआ है, प्रच्छन्न रूप से करते हैं वो, जैसे जो अति मानवीय कार्य करते हैं ना, वो सबके सामने उजागर नहीं होता, सीक्रेटली करते हैं, लेकिन भक्त लोग सीक्रेट छोड़ते नहीं है, उजागर कर देते हैं। भगवान छुप छुप के करते हैं और भक्त लोग बखान बड़ा बड़ा के करते हैं। जितना भगवान छुपाते उतना भक्त बढ़ाते, भगवान के गुणगान हो गए। तो बेसिकली भगवान के जो कार्य होते हैं ना, वो सिर्फ भक्तों की जाति में ही उजागर हो पाते हैं। अभक्त जो होते हैं ना, वो भगवान के अति मानवीय कार्य को भी मानवीय मानते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान ने जो अति मानवीय कार्य किए वो इसलिए क्योंकि वो भगवान है, और बड़ा बड़ा के बताते हैं, है ना। गोवर्धन लीला, पूतना वध, कालिया दमन, कंस वध, है ना, मुष्टुक और चांडुक, यही तो नाम था ना जो जिनसे लड़ाई हुई थी भगवान की, मुष्टिक और चांडुक, यही नाम था मेरे ख्याल से, जो कंस बुलाता है ना कृष्ण को, बोले इन दोनों के साथ अब युद्ध करो। ओ मल्ल युद्ध में पहलवान थे उस समय के एकदम, और उनके साथ कृष्ण और बलराम को लड़वा देते हैं। पूरे जो है गोकुलवासी रो रहे थे कि इनके सामने हमारा छोटा सा लाला कृष्ण क्या मारेगा, 11 साल के कृष्ण हैं वो, क्या इतने बड़े बड़े एकदम जो विशाल शरीर वाले योद्धाओं को कैसे युद्ध में मारेंगे। तो भी भगवान कृष्ण और बलराम ने उन दोनों को पटक पटक के मार दिया। कंस, सोचना चाहिए हमको, जिसने बड़े बड़े असुरों को अपना दास बना लिया था, हरा दिया था। इतने सारे जो भगवान को मारने आए थे तृणावत, है ना, और ये लोग सब जो जो वो सब कंस के दास थे, पूतना, वो लोग दास थे। कंस इतना इतना तेज था, उसके बाद इतना पराक्रमी था, उसने सबको दास बना के रखा था। उसको भी कृष्ण ने मार दिया। तो देखा जाए तो अति मर्त्यानी है, किसी भी मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन यह भगवान, तो ऐसे ऐसे कार्य किया उन्होंने। गूढ़ कपट मानुषः, गूढ़ मीन्स कॉन्फिडेंशियली किया, कपट मानुषः मीन्स
मनुष्य के रूप में भगवान थे, मतलब कपट कर रहे थे मनुष्य का रूप धारण करके, है ना। कपट मीन्स छल, छल रहे थे हमारे को, मनुष्य के रूप में आए हो, मनुष्य के समान तो दिख रहे हो, मनुष्य के समान तो उठ बैठ रहे हो, लेकिन मनुष्य हो नहीं, कपट हो रहा है ये, है छल हो रहा है हमारे साथ, है कि नहीं। बड़ा देखो, भगवान ऐसे हैं जिनको जनवाना चाहते हैं वही जान पाते हैं कि ये भगवान। वही विश्व रूप अर्जुन को भी दिखाया, वैसे ही विश्व रूप सेम दुर्योधन को भी दिखाया, लेकिन दुर्योधन समझ न पाया। वो बोला ये जो है ग्वाला है मेरे साथ छल कर रहा है, जादू दिखा रहा है मेरे को, रुक जा मैं अभी तेरे को बेड़ियों से बांधता हूँ, दुर्योधन ऐसे बोल रहा था। और वहीं अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले आपका दर्शन पा के तो मैं जो है तृप्त हो गया, आपका स्तुति तो देवता कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, ब्रह्मा कर रहे हैं, नारद कर रहे हैं, असील कर रहे हैं, व्यास कर रहे हैं, और मैं बड़ा धन्य हो गया आपका ये दर्शन पाके। तो अति मानवीय कपट रूप में भगवान जो है ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो ये एक्चुअल में जो है ना शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि हम तैयार बैठे हैं इतना सुनने के लिए। हमको मालूम है, हम जानते हैं कि वो आए थे बलराम के साथ, उन्होंने अलग अलग लीलाएं करी, हम वी आर रेडी टू लिसन, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आप प्लीज बस बोलना चालू करिए और हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, उतनी उतनी कथाएं सुनेंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें जो लास्ट लाइन है ना, इस फर्स्ट वाले पेज की लास्ट लाइन है, उसमें लिखा है, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने हेतु पर्याप्त है। जैसे पहले पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, भगवान का जन्म और कर्म का ज्ञान जो है वो मुक्त के लिए, मुक्ति के लिए पर्याप्त है। हमारी मुक्ति मनुष्य के मुक्ति के लिए पर्याप्त है। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यवेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति ममेति स्वर्जुन, है ना। त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म, जो छोड़ता है अपना शरीर, त्वक्त्वा देहम, अपना देह छोड़ता है, पुनर्जन्म न एति, उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। किसका? जिसको भगवान के जन्म और कर्म का ज्ञान हो जाता है ना। आगे इस पेज 89 में कहते हैं, है ना, श्री कृष्ण का दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को जो जो कोई पढ़ता है त्यों त्यों यह सब उसे ज्ञात होता जाता है। क्या ज्ञात होता है? कि भगवान के ज्ञान से मुझे मुक्ति मिलेगी, भगवान के ज्ञान से मुझे शांति मिलेगी, है ना। भगवान ने बताया ही है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो जानता है मेरे को उसको शांति मिल जाती है। ये जानना है जीवन में शांति कैसे मिलेगी, कृष्ण के बारे में जितना जितना जानोगे उतना उतना जीवन में शांति आती जाएगी, जितना जितना कृष्ण से दूर होते जाएंगे उतना उतना अशांत होते चले जाएंगे, है ना। तो ये सब ज्ञान हो जाता है हमारे को। गोलोक जाने का रास्ता क्या है? सिर्फ कृष्ण की कथाओं के द्वारा ही भगवान जो है हमको स्वीकार करते गोलोक में, ठीक है। तो आप लोग तात्पर्य पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, कल हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी की क्लास रहेगी, तो आप लोग अपने जो जो प्रश्न हैं वो तैयार कर लीजिएगा, जो भी पूछना है आप उनसे पूछ सकते हैं। और फिलहाल इस सत्र में अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस रघुनाथ दास जी पूछे। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा प्रभु धनुर प्रणाम। जी, कल गुरु पूर्णिमा था तो मैं कुछ बोल नहीं पाया था, कल रास्ते में था, मंदिर जा रहा था। तो आपको बहुत बहुत अरे शुभकामनाएं प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस प्रकार मार्गदर्शन नित्य प्रतिदिन करने के लिए। हम आपके बहुत आभारी हैं कृतज्ञ प्रभु जी। और आपको, आप भी भक्ति में भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप भी और आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु किसी के लिए आपको। आप लोगों का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जो आते हो और मेरी बातें सुनते हो, और सुन के फॉलो कर लेते हो, बहुत बड़ी बात है। सुनते हैं, सुनने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कारण मैं भी पढ़ता हूँ और अच्छे से पढ़ता हूँ, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है, और ऐसा लगता है नहीं तैयारी करनी चाहिए अच्छे से बताने के लिए।
तो जो भी है सब श्रील प्रभुपाद का है, गुरु परंपरा का है। ठीक है, गुरु परंपरा में एक चेन एक कड़ी जरूर है हम, लेकिन जो भी कुछ है वो गुरु परंपरा का ही है, और अपने गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना ही चाहिए, ये सच बात है। तो ये हम हमारे आने वाले लोगों को सिखाने के लिए ये जरूरी है कृतज्ञ होना। जितना मैं अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहूंगा, ये मेरे को दिखाना चाहिए अपने नीचे वालों को, ताकि वो समझें कि हमें कैसे इस परंपरा में रहना है ना। हमें मान नहीं चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन जो ज्ञान है, जो कृपा है, एक्चुअल में अधिकार जो होता है ना, ये पढ़ने का, ये समझने का अधिकार कहाँ से आता है? किसी को भगवद गीता समझ में कब आती है? जब उसके गुरु उसको अधिकार देते हैं कि आज से अब तुम्हारा अधिकार है, वो कृपा दे देते हैं कि अब ठीक है तुमको समझ में आएगा, कृपा करेंगे कृष्ण तुम्हारी मति जो है ना सुधार देंगे। तो गुरु की कृपा से बिल्कुल सही है कि हमारे अंदर ये ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रेम बढ़ता है, और हम रस आस्वादन, रस ज्ञानम, जो रस ज्ञान है ना वो गुरु की कृपा से मिलता है, कि ज्ञान आता है, हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अब समझ में आ रहा है और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है। और गुरु परंपरा में हमेशा हमको विश्वास रखना चाहिए, कभी भी ऐसा समय नहीं आए जीवन में जो गुरु के प्रति कृतघ्न हो जाए हम, है ना। दो होते हैं, एक कृतज्ञ होता है और एक कृतघ्न होता है। कृतघ्न मीन्स आप, मैंने पा लिया, अब मेरे को गुरु की जरूरत नहीं है, अब तो मेरे को सब आता है, अब क्या गुरु क्या सिखाएंगे, अब तो सब पढ़ लिया ना हमने, अब सब आ गया। ये जिस दिन आएगा उस दिन हमारा पतन हो गया, उस दिन हमारा नीचे गिरना निश्चित हो गया। तो बहुत जरूरी है इस परंपरा को, इस चेन को, इस जो हमारी शीला प्रभुपाद ने बताया, ये गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना, इसको कभी भी हम न त्यागें, क्योंकि गुरु हमेशा 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 हमें उद्धार कर देंगे, कभी भी हमारे लिए गुरु गलत नहीं चाहेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, कल भी बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका और सभी का धन्यवाद, कोई बात नहीं ऐसी। और मैं अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ा, उनको मैं सारी जो है ये विशेष उनको ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, हमारा खुद का तो कुछ है नहीं। धन्यवाद। आप लोग सब हैं, कहते हैं गुरु तब गुरु है जब उसके पास शिष्य है ना। गुरु गुरु नहीं है जब तक शिष्य नहीं है, शिष्य शिष्य तब तक है जब तक उसके पास गुरु है। ये पारस्परिक संबंध है एक दूसरे के साथ, जो निष्ठा के ऊपर जो है ना, जिसकी नींव एक निष्ठा है, श्रद्धा है, गुरु की श्रद्धा रहती है, शिष्य की श्रद्धा रहती है गुरु पे, और गुरु कृपा अपने शिष्य पे हमेशा, वो भी जो है विश्वास करते हैं, तब जाके ये संबंध पारस्परिक आगे बढ़ता। जी माला माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कल नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं शिक्षा गुरु के पास गई हुई थी, तो वहां पे पूजन वगैरह था ना, तो मुझे लगा कि कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी, इसलिए आपको मैं विश नहीं कर पाई। और आप मेरे पहले गुरु आप ही हैं, तो मैं आपको बहुत आभारी हूँ। आज मैं वृंदावन में हूँ तो आपकी वजह से हूँ, मुझे अरे ये वाह है। अरे तो वाह, आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक। कल मैं नहीं आ पाई प्रभु जी, तो ऐसा नहीं हो, मेरे को लगा कि कल क्लास नहीं होगी और मैं जल्दी चली गई। मैं मतलब जल्दी निकल गई, क्लास होने से पहले निकल गई, और बाद में वहां पे जाके देख रही हूँ क्लास हो रही है, फिर वहां पे ज्वाइन नहीं कर पाई मैं। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो हमारी हरे माता कृष्ण जी जो प्रभु। है भागवत की कथा करने वाली हैं, कथावाचक बनने वाली हैं माता जी। इनकी कथाएं कब से चालू होने वाली हैं आपकी कथाएं? प्रभु जी वैसे तो कथा आती है हमारे यहाँ पे रायपुर में भी, हमारे घर में दीदी बोल रही है कि पहले घर से ही करवाएंगे, लेकिन एक दो लोग हैं जो गुजरात से हैं और फिर कुछ वृंदावन के लोग हैं जो बोल रहे हैं बेटा आप पहले अच्छे से श्रवण कर लीजिए, फिर आप हमारे यहाँ से ही सीखिएगा। और ब्रज में तो ऐसे अरे बहुत लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप हमारे घर से करिए। तो अभी चल रहा है, याद चल रही है कथा, वही रीडिंग हो रहा है फिर से रिपीट, और भजन चलो वगैरह का तैयारी चल रहा है गुरु जी, कीर्तन वगैरह का। बढ़िया बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ।
धन्यवाद बहुत प्रभु बहुत जी। धन्यवाद धन्यवाद। यस अभिजीत प्रभु कहिए क्या कहना चाहते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, क्योंकि कल हमारी बात हुई थी लेकिन हम कह नहीं पाए, तो क्षमा चाहते हैं इसको। ठीक कोई है। बात नहीं, बधाई और हो। थोड़ा थोड़ा इस मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा हमें ये समझना है, गुरु जो शिष्य परंपरा हमारी थी वो अब पता नहीं अब कम होते जा रही है, तो गुरु के बारे में थोड़ा हमें बताइए। जैसे गुरु पूर्णिमा तो गुरु कौन होते हैं, देखिए क्या होते हैं गुरु, इस पे जाने। अब अभी क्या है, हमारा जो है ना समय 6 से 7 रहता है, तो ये सिर्फ थोड़ा सा क्लैरिटी का रहता है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछ हाँ लिया ना, ये प्रश्न विस्तार वाला प्रश्न है। गुरु के बारे में हम क्या 2-5 मिनट में बता नहीं सकते, बहुत डीप है गुरु का चर्चा। तो इसके लिए अच्छा मैं आपको एक दो वीडियोस भेज दूंगा, है ना, वो ठीक है आप जो प्रभु है सुनेंगे तो उससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। गुरु कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या गुण होने जी। चाहिए, क्या चर्चाएं होनी चाहिए, गुरु की शिष्य के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, शिष्य को गुरु का चुनाव कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजों का एक वीडियो जो है ना आपको मैं भेज दूंगा, आप उसको चर्चा कर लीजिए, उसको देख लीजिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। अरे कृष्ण। धन्यवाद बड़ा। ये सोनिका माता जी कहिए। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता अनुष्टुप छंद में है, तो भागवतम कौन से छंद में है? वो पूरा मिक्स है, भागवतम में जो है ना सिर्फ अनुष्टुप छंद नहीं, उसमें और भी सारे छंद हैं, उसमें सब मिक्स है भागवतम में, है ना। तो हमने पहले बनाया भी था नोट्स, कितने कितने छंद होते हैं, और अनुष्टुप छंद जिसमें 8 वर्ड्स होते हैं, जिसमें 9 होते हैं लेटर्स एक लाइन में, और इसमें 16 होते हैं, 12 होते हैं, ऐसे अलग अलग छंद होते हैं, अलग अलग छंद उसमें उसको गाया जाता है। तो भागवतम में सब मिक्स मिलेगा आपको, हर चीज मिलेगी। ठीक है माता जी, जी प्रभु, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर जय प्रेमानंदे जय हरि गौर। हरि 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 हरि। हरि।